तैयार हो गया है। देखिए कितने विनोद है इसमें, बहुत सारे विनोद है ये। ये देखिए, नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं तीन तरीके का लच्छा पराठा बनाने जा रही हूँ। लच्छा पराठा बनाने के लिए मैं 1/2 kg मैदा ली हूँ और 1/2 कटोरी ये सूजी है, ये घी है और ये नमक है। अब मैं इसको भूनूंगी। 1/2 kg डालेंगे, ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम डालती हूँ। इसमें थोड़ा नमक डाल लेती हूँ, नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें। इसमें घी डालूंगी, देखिए मैंने घी ले लिया है, घी 2-3 चम्मच डालें और इसको मिला लें अच्छी तरीके से। लच्छा पराठा बनाने के लिए ये जो आटा है, जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं वैसे ही गूंथ लेंगे, बिल्कुल नरम सा। और मैं घी में बना रही हूँ, आप लोग तेल में भी बना सकते हैं, तेल में भी बनते हैं, पर मैं घी में बना रही हूँ। और आटा गूंथ के इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। मुलायम आटा जब हो जाए हमारा, ये देखिए मैं गूंथ ले रही हूँ, उसके बाद 1 घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं पराठा बनाऊंगी इसका। बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है इसका। इसमें सूजी के जगह आटा भी यूज कर सकते हैं और तेल, घी के जगह तेल भी यूज कर सकते हैं। और हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए मैंने रख दिया, 1 घंटे बाद में इसका पराठा बना के दिखाऊंगी। ये आटा हो गया है 1 घंटे, देखिए बिल्कुल नरम है। फिर से मिला लेती हूँ और पराठा बनाऊंगी। पतले काटूंगी, बहुत पतले पतले। अच्छा पराठा बनाने के लिए इसको बहुत ही पतला काटना होता है। और अब इसको रोल करना है, मैंने पतले पतले काट दिया है और इसे ऐसे ऐसे चाकू से रोल करना है। इसको मैंने रोल कर लिया है, अब इसको मैं घी लगाऊंगी। देखिए घी लगा रही हूँ, हाथ से ही बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, ज़्यादा मोटा बनाना है। हाथ से फैला देना है।
ये दूसरा पराठा है। पराठा मैं हमेशा बनाती हूँ आटे से, बहुत ही टेस्ट लगता है। ये भी घी में बनाइए सुबह नाश्ते में, बहुत ही अच्छा लगता है। कैसे फूल का है ये, कितना अच्छा लग रहा है। कल तो विनोद ही बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आज मैं विनोद पराठे बनाने जा रही हूँ, जो देखिए कैसे बनता है। ये देखिए विनोद पराठे हैं ये, आप भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए विनोद पराठे। ये देखिए भाई। यार बंद कर दो प्लीज़, क्यों बेचारे आदमी को जो फेमस कर रहे हो, उसे फेमस होना ही नहीं है, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो उसे फेमस।